Aston, attention. देखिए प्यारे बच्चों, आज आपके विद्यालय का इस सत्र का पहला दिन है, तो सारे विद्यार्थियों को विद्यालय की तरफ से इस नए सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का सत्र बहुत ही अच्छे दिन पर शुरू हो रहा है। आज बहुत ही अच्छा त्यौहार है, गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा है, इसको आषाढ़ी भी कहते हैं। आज के दिन बहुत पूजाएं घरों में होती हैं, तो आज के दिन आपका विद्यालय स्टार्ट हुआ है, आज के दिन आप लोग अपनी इस सत्र की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही शुभ दिन है। और गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है कि गुरु और शिष्य की जो आत्माएँ हैं एकदम आत्मसात हो जाएँ, मिल जाएँ, पता ना लगे कौन गुरु है कौन शिष्य है। मतलब यह नहीं कि गुरु शिष्य मिल जाए तो इसका मतलब ये पता ना चले, कहने का मतलब कि शिष्य को गुरु के साथ समर्पित हो जाना चाहिए, तब उसको अच्छा जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो प्राप्त होगी। ऐसी ही अपेक्षाओं के साथ, ऐसी कामनाओं के साथ आज हम अपना सत्र स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। इसी के साथ आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। द प्रेयर पोजिशन, प्रेयर स्टार्ट, 1, 2, 3। Help us to do the thing we should, to be to others kind and good, in all we do, in all we say, to grow more loving every day. चलिए राष्ट्रगान एक लय में, एक साथ, तेज आवाज में और पूरा बोलेंगे। स्टार्ट, 1, 2, 3। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, रावण उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंग शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, धनगढ़ मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। प्लेज पोजिशन स्टार्ट, 1, 2, 3। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरी हेरिटेज, आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्थी ऑफ इट, आई शैल गिव माई पेरेंट्स टीचर्स एंड ऑल एल्डर्स रिस्पेक्ट एंड ट्रीट एवरीवन विद कर्टेसी टू माई कंट्री। चलिए आज पहला दिन, इसलिए एक दो पीटी कराएंगे। कुछ बच्चे गीत कहानी कविता चुटकुला जो भी सुनाना चाहते हैं उनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। जिसका नाम बोलेंगे वो बच्चा चुपचाप आएगा, यहाँ इंट्रोडक्शन देगा, पीटी करेगा, और जो भी सुनाना है गीत कहानी कविता चुटकुला जो भी वो सुनाएंगे, उसके बाद मंच से जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा क्लास एट्थ शीतल मौर्य, मंच पर आ जाएं। बहुत ही होनहार बच्ची है ये, तो आपके सामने देखो कुछ सुनाएंगी और एक पीटी करेंगी। पहले इंट्रो। माय नेम इज शीतल मौर्य, माय फादर्स नेम इज मिस्टर नशपाल मौर्य, आई रीड क्लास एट्थ, आई लिव एट चंदपुर कल्याण। रेस्ट एंड अटेंशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 8, 7, 6, 5,
फोर थ्री टू वन रेस्ट एंड अटेंशन। हाँ कुछ कविता गीत कहानी कुछ। चलिए बहुत ही अच्छी इन्होंने पीटी करी बच्चे आपके सामने। चलिए क्या हाल है बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। चलिए आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए आज पहला दिन है, आज फर्स्ट डे है, वेरी फर्स्ट डे। अब वेरी फर्स्ट डे पहले दिन तो जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में आना चाहिए नहीं आना चाहिए भाई? पहले दिन तो बहुत ज़्यादा जोश होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा हौसला होता है कि आज पहले दिन जाएंगे, ज़्यादा से पढ़ के आएंगे। लेकिन बच्चे जो हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे पता नहीं पहिया रुक सा गया है, जैसे गाड़ी का पहिया रुक जाता है तो धीरे 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 उसको घुमाते हैं। टीचर्स भी हमारे जो है बहुत समय बाद आए तो कोई छुट्टी पे आए, कोई कह रहे हैं सर एक आध दिन और आराम कर लें, थोड़ा सा जो है मम्मी पापा की तबीयत सही नहीं है। तो लेकिन धीरे धीरे सिस्टम जो है बन जाएगा। अभी नए टीचर्स भी आ रहे हैं, आज जो है मैथ की चैंपियन मैम आएंगी और भी बायो के भी सर आएंगे, एक दो टीचर्स और भी आएंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस नहीं किया था कि आपको जो है कुछ अच्छे टीचर्स देखने को मिलेंगे, और एक दो कंप्यूटर के मैम और सर को भी हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो आपकी बहुत ही बेहतरीन बेमिसाल पढ़ाई होगी जो हर साल पढ़ाई होती है। भाई हर साल पढ़ाई कैसी होती है बताओ बच्चों, बताओ कैसी होती है? बेमिसाल पढ़ाई होती है, और इस साल उससे भी ज़्यादा महा बेमिसाल पढ़ाई होगी। महा बेमिसाल ऐसी पढ़ाई होगी कि आप मुझसे ये कहोगे सर मज़ा आ गया इस साल तो हम महा चैंपियन हो गए। क्यों? क्योंकि उसका मैंने एक रूपरेखा अभी से बना रखी है कि किस तरीके से मुझे आपकी पढ़ाई कराना है। हर साल से अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, जितनी साल से मैंने पढ़ाई कराई है इस साल सबसे बेमिसाल पढ़ाई होगी और इसके गवाह आप लोग बनेंगे। लेकिन यह है कि देखो बच्चों, आप लोग छुट्टी बहुत करते हैं, अगर आप छुट्टी करेंगे तो देखो नुकसान आपका ही है। बताओ बच्चों मैं गलत कह रहा हूँ? भाई बताओ गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? तो बिल्कुल भी बच्चों के लिए छुट्टी नहीं करना है, डेली आना है। और देखिए कोई भी बच्चा अगर छुट्टी कर रहा है, आपका पड़ोसी छुट्टी कर रहा है, आपका आसपास वाला छुट्टी कर रहा है, या फिर वो आपसे कह भी रहा है कि अरे आज छुट्टी कर लो आज एकदम जो है DM3 बन जाओगे, लेकिन आपके लिए छुट्टी नहीं करना है क्योंकि आपको पढ़ना है और आपको बढ़ना है। और देखिए इसका जो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, फिजा कम खुशी हैं, खुशी कम और सोनी हैं, नंदनी चांदनी। देखिए कुछ बहाला के बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली आते हैं, नंदनी चांदनी कम सलोनी भी देखो डेली आते हैं, सलोनी भी मेहनती हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान कम लगाती हैं पढ़ने में। सोनी कम इधर आओ सर, इनका फोटो भी ले लेंगे। देखो इधर आ जाइए लाइन से आप लोग। आ देखो जैनब हैं, जैनब आ जाओ, आप तो कैप लगा के आई हो, जैनब आ जाइए। देखो ये छोटे छोटे बच्चे भी देखो आए आज से ही पहले दिन से, चलो रहने दो जैनब को रहने दो। तो देखो बच्चों ये आप देखिए, ये सबसे मैं समझता हूँ कि आप लोग भी जानते हैं ये सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। जैसे फिजा ले लो, खुशी ले लीजिए, सोनी है, नंदनी है, चांदनी और भी आरती हैं। तो आपने देखा कि जो बच्चे के लिए कुछ करना है, जिसके लिए कुछ बनना है, जिसके अंदर जुनून है कि मुझे जो है अपने देश की सेवा करना है, मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है, मुझे अपने
कहीं ना कहीं अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन करना है, मुझे अपने मम्मी पापा का गौरव बनना है, मुझे अपने मम्मी पापा ऐसा करना है कि मेरे मम्मी पापा मुझ पर प्राउड करें, तो वो बच्चा डेली आता है। बेटा डेली आने का बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप डेली आएंगे तो एक दिन इतने तेज हो जाओगे आप हवाओं से बातें करोगे। और देखो ये जितने भी बच्चे हैं ये कहीं कोई कोचिंग उचिंग नहीं जाते, हालांकि मुझे कोचिंग से कोई बोथुरी है गिला सिकवा, आप पढ़िए आपका समय आपका पैसा, लेकिन अगर आप डेली जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन कोई भी परेशानी कहीं पर भी आने जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, इतना वर्क दे दिया जाता है, इतना पढ़ा दिया जाता है कि बच्चा उसी को स्टडी कर ले तभी चैंपियन हो जाएगा। भाई आप मुझे बताओ इंग्लिश के 2 लेक्चर लगते हैं, मैथ के 2 लेक्चर लगते हैं, और भी साइंस के 2-2 लेक्चर लगते हैं, नैतिक शिक्षा का भी लेक्चर लगता है, सामाजिक विज्ञान का भी। इस तरीके से आपकी बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई होती है अगर आप डेली आते हैं तो। मेरा ये दावा है कि 100% जो है आप बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगे, और जब तेज हो जाएंगे तो नौकरी आपके कदम चूमेगी। बस ये आप डेली आइए, और डेली नहीं आओगे तो आप ही कमज़ोर हो जाओगे। तो यही मैं आपको प्यारे बच्चों एक शेर के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मुश्किलों से, जो मुश्किल होती है ना डिफ़िकल्टी, कि मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। प्यारे बच्चों जो डिफ़िकल्टीज होती हैं मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है, और ज़िंदगी का हर पहलू इम्तहान होता है। अब भागने वालों को या पढ़ाई से भागने वालों को कुछ नहीं मिलता इस ज़िंदगी में, पढ़ाई से भागने वालों को कुछ नहीं मिलता इस ज़िंदगी में, और पढ़ने वाले बच्चों के कदमों में सारा जहान होता है। तो बिल्कुल बच्चों आप मेरी एक बात जो है अपने दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करना है, मेहनत से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और ये आपका नसीब है कि आपका जो नाम है वो RP पब्लिक स्कूल में लिख गया है, जहाँ पर कोई भी लेक्चर खाली नहीं जाता, जहाँ पर टीचर्स खड़े होकर पढ़ाते हैं, जहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा योग्य हैं, पूरी पूरी दीवार पर ब्लैक बोर्ड हैं, और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए मंच है, कंप्यूटर लैब बेहतरीन बनी हुई है, और आप मुझे तो जानते हो मैं तो डेली आके बैठता हूँ भाई, तो जहाँ पर मैनेजर सर आके डेली बैठ रहे हैं तो वहाँ पढ़ाई कैसी होगी ये तो आप ही जानते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल भी छुट्टी मत करिए, आपके लिए एक से एक बेहतरीन टीचर्स दूंगा, बेहतरीन आपकी पढ़ाई होगी, बेहतरीन आपका सब कुछ होगा। बस ये है कि आप छुट्टी करोगे तो हम क्या कर सकते हैं। और जो बच्चे इधर उधर कहीं पर भी बहकना चाहते हैं तो बिल्कुल भी बहकिए मत, क्योंकि जो जो बच्चे यहाँ से बहक गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना नुकसान किया, आए हैं सब लौट के लेकिन नुकसान करके आए। तो इसलिए ये आपकी इच्छा है, आप बहक भी सकते हैं अगर आप कहीं और पढ़ना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं तो भाई आपकी इच्छा है, लेकिन कहीं पर भी दिल के अंदर ये है कि आप काबिल बने, कहीं पर भी दिल के अंदर ये है कि आप जो है अपने विषय के ज्ञाता बने, अगर कहीं पर भी दिल के अंदर यह है कि आप जो हैं आगे चल के आपको नौकरी प्राप्त हो, तो RP पब्लिक स्कूल आपके लिए सुनहरा मौका देता है, सुनहरी पढ़ाई कराता है, ताकि आपका जीवन जो है उज्जवल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय RP पब्लिक स्कूल। अब मैं मंच पर हमारे इंग्लिश के एक्सपर्ट फिर से श्री महेंद्र कुमार राजपूत जी के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज पहला दिन है, बहुत कम संख्या में बच्चे आए, तो अब सर जो है बच्चों के लिए बिठाएंगे। चलिए हमारे सामने आ गई मीनाक्षी, और ये बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन के साथ PT करेंगी। आ जाओ बेटे, माय नेम इज मीनाक्षी मौर्य, माय फादर राम भारत मौर्य, आई रीड क्लास हियर, आई लिव एट चंदपुर गाजियां, जोगिठिया सिविंज बरेली। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 देखिए प्यारे बच्चों, अभी सर ने आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, और हमें उम्मीद है कि सभी ने ध्यान से सुनी होंगी और सारे बच्चे उन बातों पर अमल भी करेंगे।
तो आज के पहले दिन पहले की तरह और से ज़्यादा जोश जुनून के साथ हम आज का अपना सत्र शुरू करेंगे। सभी बच्चों के लिए एक बार फिर से इस विद्यालय की तरफ से, मंच की तरफ से इस सत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। अब देखो प्यारे बच्चों, आज से एक नियम हम शुरू कर रहे हैं कि अभी तक तो सारे बच्चे ऐसे चले जाया करते थे, लेकिन अब लाइन बाई लाइन अब देखो सीधे पंक्ति बनाते हुए क्लास तक, पंक्ति टूटनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। विशेष सारे टीचर्स इस बात में हमारा सहयोग करेंगे, बच्चों को देखते रहेंगे कि लाइन तो नहीं तोड़ रहे बच्चे, तो बिल्कुल लाइन से सारे बच्चे एक साथ जाएंगे, हल्के हल्के जिस लाइन को कहेंगे वही लाइन यहाँ से जाएगी, एक के बाद एक जाएंगे, ठीक है। तो आज का सत्र शुरू करेंगे, सभी बच्चे अपने टीचर से आशीर्वाद ले लेंगे, क्लास में जाने से पहले नमस्ते कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ गर्ल्स, टर्न बैक, ओनली टर्न बैक, पीछे मुड़ जाएं, मूव स्लोली, बहुत धीरे धीरे जाएंगे, आराम से लाइन ना तोड़ेंगे। और क्लासेस में बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। चले सेकंड लाइन ऑफ गर्ल्स, टर्न बैक एंड मूव, चलिए फर्स्ट लाइन ऑफ बॉयज, टर्न बैक एंड मूव, अब है टर्न बैक एंड मूव, सेकेंड लाइन ऑफ बॉयज, टर्न बैक एंड मूव, आराम से दौड़ेंगे नहीं, चलिए लास्ट लाइन ऑफ बॉयज, टर्न बैक एंड मूव।